राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन ने 105 सीवान सदर विधानसभा क्षेत्र से मुझे अधिकृत किया है विधानसभा के चुनाव लड़ने के लिए। जो मुझसे लड़ाई लड़ने वाले जो होंगे वो 15 बरस के काम हमसे मांगे, जवान पर है, बना करके एकदम 85 से 2005 तक मैं सबमिट करता हूँ आपके दरबार में। और जो लोग हैं 15 वर्षों से वो लोग भी बना करके दे दें और आप लोग सर्वेक्षण कराएं, मीडिया के भाई हैं, गांव में जाए पूछे कि किसने बनाया, कब बना, लोग बतला देंगे कि किस पीरियड का बना। मैं समझता हूं कि मेरा लिस्ट आप लोगों के द्वारा, मतदाता के द्वारा पास कर दिया जाएगा, कि मैं आपका एक पुराना सेवक रहा हूं और सत्ता के कुर्सी पर नहीं रहने के बावजूद भी जो हमारे सेवा भाव थे उस सेवा भाव को मैं बखूबी निभाने का काम करते रहा हूँ और आज भी कर रहा हूँ, तब भी कर रहे थे और भविष्य में भी अपने दायित्वों का निर्वहन, जनता के प्रति जिम्मेवारी जवाबदेही मैं रखूँगा। मैं अपने मतदाता मालिकों से आशीर्वाद मांगता हूँ वोट के रूप में। हमको चिंता था कि अगर हम विकास के काम नहीं करेंगे और कुछ हम दिखलाएंगे नहीं तो फिर हमें 5 वर्ष के बाद जनता के बीच हमें जाना है, तो जनता के बीच हम कौन मुंह लेकर जाएंगे? कुछ हम काम करेंगे तभी जनता के बीच जाएंगे और कहेंगे कि हमने अमुक अमुक काम अपने क्षेत्र और आप लोगों के लिए मैंने किया, निरंतर गति से मैंने विकास का काम किया। 90 में बिहार के लोगों ने परिवर्तन किया, लालू जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम, जब इलेक्शन हुआ 90 का हम लोग जीते और लालू जी मुख्यमंत्री बने। उसके बाद से और ज़्यादा काम मैंने किया, सीवान में भी, शहर में भी। सांसद जी साहब, दिन साहब संजोग कहिए हुए एमपी बने, मुझे भी फंड एमएलए कोटा का मिलता था, उनको भी सांसद कोटे का पैसा मिलता था। लेकिन उस जमाने में जो आज करोड़ों करोड़ों सांसद और माननीय विधायक जी लोगों को जो फंड मिलता है, हम लोगों को 3 लाख, 4.5 लाख, 4 लाख, 5 लाख इसी में। लेकिन उसी को वैज्ञानिक तरीका से कार्यों का प्राथमिकता निर्धारित करके हम दोनों ज्वाइंट रूप से काम किया। शहरों में, गलियों में पीसीसी, विद्या भवन महिला महाविद्यालय को जमीन उपलब्ध करा करके और भवन का निर्माण, टाउन हॉल को हम लोगों ने बनवाया, इंडोर स्टेडियम हम लोगों ने बनवाया, राजेंद्र स्टेडियम हम लोगों ने बनवाया, जितने शिक्षण संस्थान है सभी शिक्षण संस्थान को हम लोगों ने बहुत गंभीरता से लेकर हम लोग ने। उत्तर बिहार में स्पोर्ट्स के मामले में, खेल कूद के मामले में, उत्तर बिहार में अगर सबसे चैंपियन, सबसे अच्छा इंडोर गेम के लिए कहीं कंस्ट्रक्शन बन कराया गया है तो इंडोर स्टेडियम हम लोगों का बनाया हुआ है। आयुर्वेदिक कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, डीएवी कॉलेज में मैंने अपने एमएलए कोटा का पैसा दिया और बच्चियों के लिए कॉमन रूम बनवाया। पूजनीय दाढ़ी बैजनाथ प्रसाद उर्फ दाढ़ी बाबा का जो स्टैचू डीएवी कॉलेज में जाकर देखेंगे, और बिहारी चौधरी का वो पैसा है,
साहब दीन साहब का पैसा है, हम लोगों ने बनवाया। डी कॉलेज को भी बनवाया गया, डीएवी हाई स्कूल को भी बनवाया गया। जो आपका सदर हॉस्पिटल है उस सदर हॉस्पिटल को नाला बनवाना, बाउंड्री कराना, 60 बेड का हॉस्पिटल उसके अंदर है, उसको बनवाने का काम। ऑपरेशन थिएटर जो है, पढ़िएगा, हमारा नाम उस पर लिखा होगा, आज भी होगा, हम समझते हैं। मैंने अपने एमएलए कोटा से उसको ऑपरेशन थिएटर सिवान सदर हॉस्पिटल, ब्लड बैंक को हम लोगों ने बनवाया। ये सब लोग आपके गवाह हैं लोग, ब्लड बैंक हम लोगों ने बनवाया, ब्लड के कैंप लगा करके हसनपुरा से लेकर चारों तरफ से हम लोगों ने उसमें ब्लड देने का काम किया गया। एक्सरे हॉस्पिटल में लगाने का हम लोगों ने किया। किसी को लोगों ने 10 वर्षों का अवसर दिया, 10 वर्षों का अवसर दिया गया इस सिवान के पार्लियामेंट को सजाने संवारने के लिए। 10 वर्ष कम नहीं होता है, पता लगा लीजिए, किसी क्षेत्र में एक ईंटा तक नहीं रखा गया। 10 वर्षों का अवधि और 10 वर्षों का सिवान, सिवान का गांव, सिवान के शहर बिल्कुल पिछड़ गया। मैं कहना चाहता हूं, शिक्षा चौपट, इलाज का कोई व्यवस्था नहीं, सभी उद्योग जो यहां थे औने पौने में बेचा जा रहा है, लीलाम हो रहा है, सब तरह से कष्ट और परेशानी है, अत्याचार है, जुल्म है, राहजनी है, बैंक की लूट है, बलात्कार हो रहे हैं, कहीं कोई पूछने वाला नहीं है। किसी के पास जाइएगा कि हमारे साथ इस तरह की घटना हो गई है, कोई सुनने वाला नहीं है। ये मैं जो आप तमाम लोगों के सामने गुजरती है, हम लोगों के सामने गुजरती है, उसका मैं वर्णन कर रहा हूँ, यह सच्चाई है। हम लोगों ने आग्रह किया है, कहा है जनता मालिक को कि आप इस बार परिवर्तन करें, और परिवर्तन करके राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन को एक बार अवसर दें। और हम लोगों ने निर्णय लिया है कि बिहार के भावी मुख्यमंत्री राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के एक नौजवान, जिन्होंने कहा है कि सत्ता में आएंगे तो कैबिनेट में पहल का कलम हमारा चलेगा, तो 8 लाख लोगों को हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं देंगे, अस्थाई नौकरी देने का काम करेंगे। तो उनको हम लोगों को मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम लोगों ने अपना तय कर लिया है। तेजस्वी प्रसाद यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री बने। आप मुझे लालटेन पर बटन दबा करके हमें पुनः सेवा करने का अवसर दें। मैं पहले भी सेवा किया हूँ, उसमें कोई फेल नहीं हुआ, इसलिए मैं पुनः एक चांस मांगता हूँ कि मुझे दिया जाए। और यह भी मैं संकल्प के साथ कहता हूँ कि समाज के सभी भाइयों को लेकर मैं चलूँगा, संप्रदायवाद से ऊपर उठ करके सामाजिक न्याय और सांप्रदायिक सद्भावना को लेकर के मैं काम करूंगा, सब लोगों के दुख सुख में शामिल होगा, और जहां जुल्म अत्याचार जिस तरह से होंगे, चाहे शासन से या अन्य जो आपके रक्षक लोग हैं, कहीं भी होगा, आपका यह सेवक आपके बीच मुस्तैद रहेगा। मैं आपके दुख सुख का साथी बनना चाहता हूँ, ऐसा नहीं का हूँ, आपका रहूँगा, और सभी समाज सभी वर्ग के भाइयों के लिए मैं हमारा बिल्कुल जो सोच है, समझदारी है, मैं खरा उतरने का कोशिश करते रहूँगा और किया भी हूँ, इसलिए आप लोगों के माध्यम से हम पुनः बहुत भरोसा रखता हूं कि सिवान 105 विधानसभा क्षेत्र के जो मतदाता बंधु हैं शहर से देहात तक, एक बार मुझे भी अवसर दें।
होगा, मेरे अंदर कार्य करने की अगर क्षमता नहीं होगी, आपको साथ चलने का अगर हमारे अंदर कोई सोच समझदारी नहीं होगी, तो फैसला आपके हाथ में होंगे। यह कुर्सी किसी के लिए ऐसा नहीं है कि बैनामा है, यह तो जनता का दिया हुआ सौगात है। यह आराम की कुर्सी नहीं है, यह जो है बहुत चिंतित रह करके अपने जनता के विकास के लिए, समस्याओं के निदान करने के लिए कुर्सी है। हम आपके साथ हूँ, आपसे मैं बहुत प्रेम करता हूँ और प्रेम हमारा चलता रहेगा, और जब तक हमारे इस छठरी में प्राण रहेगा, मैं किसी तरह के धोखाधड़ी नहीं करूँगा और पूरे लोगों को साथ लेकर के नगर से लेकर देहात तक अपने क्षेत्र के विकास में मैं पीछे नहीं हटूंगा। तो नामांकन में तो इलेक्शन कमीशन का जो डायरेक्शन है, निर्देश है, उसके मुताबिक मैं अपर संभागता के यहाँ, मेरा वही रिटर्निंग अफसर है, 10 से 12 बजे के बीच में मैं नामांकन करूंगा और मैं सब लोगों को सूचना देना चाहता हूं कि जुलूस तो नहीं निकलेंगे, लेकिन आप मतदाता मालिक हमें उस दिन नामांकन के दिन हमको आप आशीर्वाद देंगे और आप बिना भीड़ भाड़ किए हुए नामांकन में सम्मिलित होंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स के मार्केट में धूम मचाने के लिए आपके शहर सिवान में आ गया है दास इलेक्ट्रॉनिक्स, जहां पर आपको मिलेगी हर प्रकार की नंबर 1 ब्रांडेड वस्तुएं, जिसमें मॉडलर स्विच, टेबल फैन, सेलिंग फैन, फैंसी लाइट्स आदि प्रकार की ओरिजिनल वस्तुएं हर समय उपलब्ध रहेंगी। तो फिर देर किस बात की, आज ही पधारिए दास इलेक्ट्रॉनिक्स, NR मार्केट, शॉप नंबर 2 N3, महादेवा नियर शिव मंदिर, सिवान।